मिस्त्री लंबा कल कर देंगे, आज कर देंगे, तो ये चीज़ लंबा होते जा रहा है, समय कम है। एशियन पेंट का सबसे महंगा कलर है। अभी हम लोग पहुँचे हैं भाभी के घर में इसलोग को लेने के लिए, क्योंकि सीरिया को मन नहीं। पेड़ का इतना अच्छा वातावरण है यहाँ पे, खाली हमको परेशान की। पहुँच गया है, काम चालू हो गया, मिस्त्री लोग भी आ गया है, आपको दिखा रहे हैं। सारा तार बिछ चुका है, फ्रेंड्स अभी हम आए तो अभी सब कुछ किया हुआ है, लंच करने के लिए लंच टाइम हो गया है, सब लंच करने गया है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए देख रहे हैं, और अभी काम बहुत बचा हुआ है तो लंच करके आता है, फिर देखते हैं उन लोगों का क्या है नहीं है। आज वायरिंग वाला भी नहीं आया, बोला कि आज इधर पहले बोर्ड लग जाने दीजिए फॉल सीलिंग का, उसके बाद उधर कल आ करके पूरा फाइनल कर देंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है हमको करके देना है, मिस्त्री लोग बोला कल कर देंगे आज कर देंगे, तो ये चीज़ लंबा होते जा रहा है, समय कम है, सब कोई आ रहा है काम लगातार जल्दी जल्दी कर रहा है। काम जल्दी का मतलब ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कोई काम ख़राब कर दे, मेरा वो आदत ही नहीं है, काम करते हैं तो एकदम बढ़िया आके चेक करते हैं, देखते हैं सब सही हो रहा कि नहीं, कोई भी काम में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ खड़ा होकर के काम करवाते हैं। और इसीलिए देखिए वहाँ वाइफ हमको छोड़े और सुबह सुबह आ गए मिस्त्री आने से पहले, क्या करके काम हमको देखना खड़ा होकर के, क्योंकि वायरिंग का काम है, बोर्ड का काम, ये सब छिप जाने के बाद फिर थोड़ी ना दिखाई देगा फॉल्स सीलिंग का अंदर में क्या हुआ, इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना कि क्या काम हो रहा अंदर में, कैसा वायरिंग हुआ, कौन सा कहाँ पर कैसा वायर जोड़ा, ऐसा नहीं कोई कट वायर कट करके जोड़ दिया, कट वाला वायर हम एकदम यूज़ नहीं करते हैं, सब एकदम देखे एक बाय लाइन सब गया हुआ, जहाँ पे पॉइंट है वहाँ कट है, बाकी सब गोटा गया, आपको दिखा रहे हैं यह है सब वायर, जहाँ पे पॉइंट गिरेगा वहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए एकदम गोटा तार आया हुआ है, आ करके देखिए यहाँ पे पूरा बंडल लगा हुआ, देखिए देख रहे हैं सब अंदर अंदर, यहाँ भी देखिए कोई ऐसा जॉइंट नहीं है, इधर भी देखिए सब काम हो रहा है, कलर का काम चल रहा है नीचे वाला फ्लोर में, नीचे वाला फ्लोर में भी कलर का पूरा काम करवाते रहे कि नीचे और ऊपर एकदम पूरा कलर हो के रहे, बढ़िया लगे देखने पे, इसीलिए नीचे का भी काम है पूरा कलर करवा रहे हैं, जितना भी काम है सब करवा रहे, पुट्टी उट्टी सब, जहाँ पे जहाँ टूटा है, जहाँ पे फिनिशिंग ख़राब हो गया है, कहीं डैमेज है, उस सब को हटवा करके पूरा अच्छा से पुट्टी फ्रेश कर रहे हैं, उसके बाद कलर चढ़ेगा, यही अभी है। और देखिए कब आता है मिस्त्री लोग लंच करके, चलिए इंतजार करते हैं। तो देखिए अभी खाना में हम लोग बहन भेजिए खाना, खाना में क्या है देखिए खा रहे हैं, इधर मछली है, इधर सलाद, इधर चावल, इधर पानी, चलिए जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। काम चल रहा है, इसका कलर जो है रॉयल साइन का है, और इसका बेस है इसी में कलर बनेगा, तो सारा घर में देखिए रॉयल साइन ही लग रहा है, एशियन पेंट का सबसे महंगा। तो देखिए आज का दूसरा दिन है, और दूसरा दिन आज हम लोग कहाँ पे एशियन पेंट के दुकान में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इसलिए कि आज सुबह सुबह मिस्त्री आने वाला था लेकिन उसके घर में कोई एक्सपायर कर गया था तो नहीं आ रहा था, फिर हम बोले कि सारा सामान देखो बाहर पड़ा हुआ, और हम भी वाइफ को छोड़ करके आए हुए हैं काम देखने के लिए, और तुम लोग का इस तरह का हो गया, तो फिर दूसरा अपने जगह किसी दूसरा मिस्त्री को भेज दिया है कि आज जो सामान है उस रूम में आज करवा लीजिए, कल से हम लोग आ जाएंगे, तो हमको फटाफट आना पड़ा एशियन पेंट की दुकान में, और सारा पेंट जो लग रहा है एशियन का रॉयल साइन लग रहा है, काफ़ी महंगा कलर है और बहुत खूबसूरत है साइन का, चलिए आते हैं कौन सा कलर लग रहा है, ये बेस है उसमें कलर लगेगा और चढ़ेगा, रॉयल साइन का डब्बा, एशियन का ही यहाँ पे काम होता है, इसलिए हम यहाँ पे आकर ले रहे हैं कलर, और कलर काफ़ी बड़ा दुकान है, कलर एकदम ओरिजिनल कलर यहाँ मिलता है, काफ़ी बड़ा दुकान, खाली टोटल एशियन का काम है। अभी हम लोग पहुँचे हैं भाभी के घर में रिश्लू को लेने के लिए, क्योंकि सीरिया तो मन नहीं लग रहा था, फिर बाद में बोले कि पापा बहुत मन लग रहा था, हम तो बोले कि नहीं अब चलो फिर, नहीं तो फिर पूजा का समय सब जाम हो जाएगा ना, तो फिर लाना मुश्किल हो जाएगा, कई लोग देखें यहाँ पहुँचे भाभी का फिर तो क्या कर रही है, नहीं रहे खाने ही खाली बैठी है, देखें पापा के लिए क्या नहीं रहे, हम आए हुए हैं भैया घर में हैं, लवली यहीं पर आई हुई थी, बच्चे लोगों के साथ रह रही थी,
पिछला ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा आपको कि लवली यहाँ पे उसको छोड़ गए थे पूजा में, सोचे थे कि यहीं पे रहेंगे, लेकिन हमको मन भी नहीं लगा था, हम बोले आ जाओ फिर पूजा के माहौल में बहुत ज़्यादा रोड वोड सब क्लोज हो जाएगा तो फिर लाना बहुत दिक्कत है। तो आए हुए थे, कल आए थे तो कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि भैया लोग आए थे, गप सप किए, बातचीत किए, आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि भैया घर है, भैया बात सुनाई देगा, देखते हैं। इतना मस्त है यहाँ का ये है नज़ारा, आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन देखिए कितना पेड़ है, ये अमरूद का गाछ शायद यहाँ अमरूद है भी, ये देखिए अमरूद फड़ा हुआ है, तब कोई अभी सो रहा है, हम उठ गए सुबह सुबह थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के लिए, भैया भी उठ गए थे हम भी उठ गए, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपको दिखा रहे कितना मस्त लग रहा है यहाँ का सुबह सुबह, हमको यहाँ बहुत मज़ा आता है, एकदम मतलब पॉल्यूशन फ्री, एकदम साफ़ सुथरा जगह, यहाँ पर बहुत सुबह सुबह निकलते थोड़ा टहल लेते हैं क्योंकि हम लोग भी यहाँ जल्दी निकलेंगे क्योंकि वहाँ पर काम साइड में चल रहा है ना, इसीलिए काफ़ी देर से टहलते टहलते अब जाके थोड़ा सा बैठ गए, देखिए अंदर चाय पीते हैं, तो भाभी घर में आए थे लेकिन ये लोग का जाना हो गया कैंसिल, भाभी भी रोक रही थी और बच्चा लोग भी पूरा एक्टिंग, नहीं नहीं जाएंगे अभी रुकेंगे दो दिन और रहेंगे, तो बन्नी जो भाभी का लड़का है वो बोले कि हम लोग उसको दो दिन बाद छोड़ देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है टेंशन मत लीजिए, तो बच्चा लोग सुबह उठ नहीं रहा था, अब देखिए पूरा खुशी से सब उठा, देखिए ना खुशी देख रहे हैं खाली हमको परेशान की, एकदम रुक रही है, ठीक है भाभी निकल रहे ना, हाँ चलो बाय, देख रहे लोग बाय करने के लिए कितना ये है, चलिए हम चलते हैं बाय। देखिए गाइस हम तो निकल गए हैं, वो लोगों को रुकना पड़ा, भाभी लोग भी रुक रही थी, बच्चा लोग कोई मन नहीं कर रहा था इसीलिए लोगों को रुकना पड़ा, और यहाँ का देखा अभी मौसम सुबह सुबह निकल चुके हैं, कल तो शाम में बारिश हो रहा था जब हम आए थे लेने के लिए, तो अभी मौसम एकदम ठीक है क्लियर है, और दुर्गा पूजा में बारिश ना हो क्योंकि सबको उम्मीद रहता है, बच्चों लोग या जो भी हैं परिवार के लोग लोगों को बहुत उम्मीद रहता है कि पूजा में हम लोग देखे पूरा मार्केट लगा हुआ है, घूमेंगे नया नया कपड़ा खरीदता सब पहनेंगे, तो सुमंग को बारिश बर्बाद ना करें, बारिश ना हो और सब अच्छा से नवरात्रि बनाए दुर्गा पूजा बनाए, काल कितना खूबसूरत बना है जुड़ा फूल का, तो आपको कुछ ना कुछ पंडाल दिखाते चलेंगे जहाँ जहाँ का पंडाल है देखने को मिलेगा गाड़ी से, क्योंकि सारा जगह तो सुबह में जाम रहेगा, जहाँ मिलेगा दिखाने का मौका आपको दिखाएंगे, ठीक है यहाँ से पहाड़ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है, अभी हमने कोयला नगरी पहुंच गए अंझरिया, यहाँ देखिए पहाड़ का नजारा है, देखिए आरएसपी कॉलेज है, हम लोग का कॉलेज में ही सेंटर पड़ा था राजा शिव प्रसाद, ये कोयला का नगरी है ब्लैक डायमंड, जितना भी कोयला का यहाँ पे होता है आना जाना सब देखे यहीं से निकलता है झरिया, यहाँ पे देखिए पूजा हो रहा है, देखिए जितना भी देख रहे सब लाइट, अभी रात में देखने मजा आता है, सब देखिए लाइट लाइट लगा हुआ है, सबको पहाड़ नजर आ रहा होगा, देखिए ठीक है, और ये सामने मंदिर है, रोक करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सामने पहाड़, सब अंदर पीछे से कोयला निकला हुआ है, यहाँ नाश्ता कर रहे हैं सुबह का, काफ़ी लेट हो गया है, सारा मिस्त्री लोगों को सामान वामान दे दिए थे, उसके बाद लग गया हम यहाँ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम बोले चलो आपको ही दिखाते हैं, ये चना और नेनुआ का भुजिया है और ये रोटी, कहने का मतलब ये है गाइस की